नमस्कारम। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड वर्किंग एक्सट्रीमली हार्ड टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी फॉर द रेस वी ऑल कॉल कैट। वी आर ऑलमोस्ट ऑन द लास्ट स्टेप, ऑन द लास्ट माइल स्टोन इन द फाइनल लैप ऑफ दिस रेस एंड नाउ इज नॉट द टाइम टू स्लो डाउन और गिव अप। हाउ एवर, एज वी आर टेकिंग मॉक्स, वी माइट फाइंड आर सेल्व्स नॉट डूइंग सो वेल, मे बी नॉट अप टू आर ओन एक्सपेक्टेशंस एंड वी एंड अप फीलिंग डीमोटिवेटेड एंड वी डू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजी बेस्ड क्वेश्चन, क्या करें, कैसे करें, कितना करें, कितना छोड़ें। एंड इन वी ए आर सी, लाइक द अदर टू सेक्शंस ऑल्सो इन वी ए आर सी, स्ट्रैटेजी इज एज इम्पॉर्टेंट एज एक्यूरेसी। सो देर फॉर दिस सेशन एम्स टू आंसर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन वी ए आर सी। वील कीप आर आंसर्स क्विक एंड क्रिस्प because we all know that we are amidst a time where studying is extremely important. So here is a short video answering all the FAQs of VARC. I hope you find it useful. The most commonly asked questions are, मैं कितने questions करूँ कि मेरा अच्छा percentile आए, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सा question करना है, मैं सिर्फ RC करके जा सकता हूँ क्या, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वाला RC doable था और ये वाला छोड़ना था, वॉट इफ आफ्टर रीडिंग हाफ द पैसेज और द फुल पैसेज आई रियलाइज कि वॉट आई हैव मेड, द चॉइस दैट आई हैव मेड वॉज रॉन्ग एंड इट वॉज नॉट रियली नाइस, कैन आई डू और शुड आई डू ऑल नॉन आर सी क्वेश्चन बिकॉज उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे कर लेने चाहिए क्या, और फिर फाइनली किस ऑर्डर में क्वेश्चन करूँ, RC पहले करूँ, VA पहले करूँ, क्या छोड़ूँ, क्या करूँ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई थिंक दिस शुड कवर ऑल द क्वेश्चन दैट कम अप इन योर माइंड एज यू आर टेकिंग मॉक्स, especially if you're not performing well in VARC and you are not sure what will work for you and you need somebody to guide you, probably a little hand-holding from me in this session will help you a little. Let's get started. The first question is, how many attempts will fetch me a good percentile? I think ye question har saal har teacher se hazaro dafa pucha jata hai. Every teacher gets asked, मैं कितना question कर लूँ कि मेरे को अहमदाबाद से phone आ जाए, मैं कितना question कर लूँ कि मेरे को MDI से call आ जाए, मैं कितने questions छोड़ दूँ कि मेरा पेपर में नेगेटिव मार्किंग कम हो जाए, और एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस इज दैट देर इज अ लॉट ऑफ रॉन्ग एडवाइस दैट फ्लोट्स अराउंड स्पेशली ऑन द इंटरनेट। नाउ व्हेन यू आस्क समबडी दैट हाउ मेनी अटेम्प्ट्स विल फेच मी अ गुड परसेंटाइल, आई वांट यू टू स्टे क्वाइट, क्लोज योर आइज एंड आस्क योर सेल्फ वॉट डू यू मीन बाय अ गुड परसेंटाइल। सो देर आर पीपल हु विल से कि मुझे तो बस कट ऑफ क्लियर करना है, मेरे को जहाँ जाने को आप बोलेंगे मैं वहाँ जाऊँगा MBA करने के लिए। एंड ऑन दी अदर हैंड वी हैव स्टूडेंट्स जो कहेगा कि मेरे को 99 प्लस चाहिए क्योंकि मैं जेम कैटेगरी हूँ, जनरल इंजीनियर मेल, एंड नथिंग बिलो 99 विल सर्व माई पर्पज, और आई एम वर्किंग एंड आई एम एट अ पैकेज ऑफ 10 प्लस लैक्स, सो नथिंग बिलो 99 इज गोइंग टू वर्क फॉर मी। सो यू हैव स्टूडेंट्स ऑफ ऑल काइंड, देर आर पीपल हु विल वॉन्ट टू स्कोर 85 एंड देर आर पीपल हु डोंट वॉन्ट टू सेटल फॉर लेस देन 99। सो देन वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ अ गुड परसेंटाइल, ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। Once you have this clarity that this is my aim and this is what I will settle down with, so maybe all of us have the aim of 99 and 100, but some of us will settle down at 90 as well. We will pick up colleges at 92, at 90, at 88, at 86, and some of us will take the CAT again next year if we can't make it to Blackie or whoever, or whatever our top colleges, FMS or MDI or SPGen or whatever it is. So you need to define good for yourself, and this answer is a very, very individualistic answer, and everybody's answer will differ from the other person depending on the salary that you are at now. Maybe you're a fresher. I don't know what priorities you have in life, and that will help you decide ki good attempt ka kya matlab hai. और जब हमें पता चल जाएगा कि हम कितने परसेंटाइल के लिए गेम खेल रहे हैं तो फिर हम उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। और क्योंकि हम हमेशा पूछते हैं कि कितना क्वेश्चंस करना चाहिए, तो इंटरनेट में एक बहुत स्टैंडर्ड मंत्र है, आपको मैक्सिमम चैनल्स पे लोग बोलते हुए दिख जाएंगे, कि आधा इंच पेपर करना होता है और उसके बाद 100 आ जाता है। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ यू नो देर इज़ दिस वेरी स्टीरियोटिपिकल एडवाइस दैट फ्लोट्स ऑन द इंटरनेट दैट कैट इज 100% इज अबाउट डूइंग हाफ द पेपर। नाउ आई वॉन्ट यू टू बी wise and not fall for marketing gimmicks and understand that what is the person saying. There is a lot of nuance, there is a lot of intricacy and detail behind saying ki aadha hi paper karna hota hai, because aadha paper karne ka kya matlab hai, aadha paper karke 100 percentile tab aayega jab tum aadha paper sahi kar rahe ho
और तुमने बाकी का पेपर जो छोड़ा है वो छोड़ा है, कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है। आई रिपीट, इफ यू आर फॉलोइंग द एडवाइस ऑफ डूइंग हाफ द पेपर विच इज प्रेवलेंट ऑन द इंटरनेट एंड सेल्स लाइक हॉट बंस, प्लीज रिमेंबर दैट बाय दैट एडवाइस यू आर सेइंग दैट यू विल सॉल्व 50% ऑफ द पेपर विद 100% एक्यूरेसी एंड यू विल लीव द रिमेनिंग पेपर। सो यू आर सॉल्विंग 50% ऑफ द पेपर विद 100% एक्यूरेसी। हाउ मैनी ऑफ अस आर इक्विप्ड टू सॉल्व हाफ द पेपर विद 100% एक्यूरेसी? दोज ऑफ अस कैन कंसिस्टेंटली डू इट मे प्रॉबली बी टॉप परसेंटाइलर्स, बट सम ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस इन फैक्ट, कांट बी 100% एक्यूरेट। वी डू एंड अप स्कोरिंग अ जीरो और अ माइनस वन वेरी ऑफन। ओके, सो मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ कि 24 में से 12 क्वेश्चंस कर लिए और 12 में से 2 में 0 आ गया या माइनस 1 आ गया और फिर 10 कर लिया सही या 9 कर लिया सही। मोस्ट ऑफ अस हैव पीपल हु हैव प्रिपेयर्ड डिसेंटली वेल हैव समवेयर अराउंड 75 to 85% एक्यूरेसी। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रांग एरिया और वीक एरिया। सो योर स्ट्रांग एरिया यू माइट हैव 90% एक्यूरेसी। फॉर एग्जाम्पल, VRC इज माई स्ट्रांग एरिया। आई हिट 90% एक्यूरेसी अंडर टाइम प्रेशर। विदाउट टाइम प्रेशर आई कैन हैव 98-99% एक्यूरेसी। सिमिलरली योर स्ट्रांग एरिया कुड बी QA। मे बी यू कम फ्रॉम दैट काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड एंड यू डू वट एवर क्वेश्चन यू डू देम राइट और यू जस्ट नो वॉट क्वेश्चन टू लीव एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट यू नो देर इज नो स्टैंडर्ड आंसर ऑफ आधा पेपर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो ये बात आपको समझनी चाहिए, दूसरा सबका स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग है ये समझना चाहिए, ये बहुत आइडियल सिनेरियो है ये समझना चाहिए, टाइम प्रेशर में हम कैसे रिएक्ट करेंगे हमको खुद नहीं पता होता अनलेस वी आर टेकिंग मॉक्स एंड डूइंग अ लॉट ऑफ टाइम्ड प्रैक्टिस। अनदर थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि लेट्स से आपका 50% अटेम्प्ट आपने किया, लेट्स से यू आर डूइंग VARC एंड यू आर डूइंग 12 क्वेश्चंस, विच मीन्स यू आर डूइंग मे बी 3 RCs एंड नाउ यू आर लेफ्ट विथ टाइम। सो विल यू फॉलो द यूट्यूब एडवाइस कि आधा पेपर करना है एंड यू विल स्टे क्वाइट एंड जस्ट वेट कि DILR चालू हो जाए? आप 12 क्वेश्चन के बाद 13वां करने से बचेंगे या आपको जो टाइम मिल रहा है बच रहा है उसमें आप और क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे? या फिर आपको पक्का यकीन है कि मेरे ये 12 क्वेश्चंस जो मैंने करे हैं ये सारे सही हैं इसीलिए मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं? वॉट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय डूइंग हाफ द पेपर? सो वाइल इट इज करेक्ट दैट हाफ द अटेम्प्ट्स, हाफ द करेक्ट अटेम्प्ट्स, हाफ द पेपर सॉल्व करेक्टली माइट गिव मी अ गुड परसेंटाइल, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट यू टेक नोट ऑफ द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। अगर सिंपल सी बात है, ठीक है, अगर डिफिकल्ट पेपर आता है राइट तो हमारे को लो स्कोर पे हायर परसेंटाइल मिलेगा। यस, अगर पेपर ईजी आता है तो फिर हाई स्कोर करना पड़ेगा, ज़्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और लो परसेंटाइल आएगा। आप किसी भी मॉक का डेटा उठाकर देख लीजिए। आई विल डू अ सेशन ऑन मॉक एनालिसिस ऑल्सो एंड आई शो इट टू यू विद डेटा कि VARC में 99 लाने के लिए 19 क्वेश्चंस करने पड़े जबकि QA में 10 क्वेश्चंस ठीक करने से 90 आ रहा है। सो जब सेक्शंस में इतना डिफरेंस है, मॉक्स में आपस में इतना डिफरेंस है तो एक्चुअल डे पे दोनों तीनों स्लॉट्स में डिफरेंस होगा, सेक्शंस में भी डिफरेंस होगा। यू हैव टू लर्न हाउ टू एक्ट देन एंड देयर स्मार्टली, टेक दैट डिसीजन एंड एक्ट ऑन योर फीट एंड देन डिसाइड कि मुझे कितना करना है, मुझसे क्या हो रहा है और क्या नहीं। ये कैसे होगा? जब आपके सबकॉन्शियस माइंड जिससे आप ऑपरेट करते हैं अंडर टाइम प्रेशर, आप उसको ट्रेन कर चुके होंगे टू चूज द राइट क्वेश्चंस, टू फाइंड आउट द इजी क्वेश्चंस, टू डू द क्वेश्चंस दैट विल गेट यू मार्क्स क्विकली, और उनको छोड़ना आप जानते हैं जो कि छोड़ना चाहिए। व्हाट हैपेंस इज दैट मोस्ट ऑफन वी डोंट टेक मॉक्स, वी कीप वेटिंग फॉर द लास्ट मंथ एंड वी आर जस्ट नॉट इन टू दैट हैबिट ऑफ प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस अंडर टाइम प्रेशर एंड ऑन दैट डी डे विद इन दोज 40 मिनट्स आपको लगता है आप कॉन्शियसली ऑपरेट कर रहे हैं क्योंकि आप कैलकुलेशन एक्सेट्रा कर रहे हैं, बट देर इज ऑल्सो समथिंग नोन एज मसल मेमोरी और न्यूरल पैटर्न विच विल डिसाइड हाउ वेल आर यू परफॉर्मिंग। विच मीन्स इफ यू हैव नॉट टेकन इनफ मॉक्स, वहां पर आप बैठ कर किसी यूट्यूबर का कोई फंडा नहीं लगा पाएंगे। अगर आपने अच्छे से मॉक्स दिए हैं, उनमें अपनी स्ट्रैटेजीज ट्राई करी हैं और फाइनली आप कैट को एक अलग, एक एक्स्ट्रा मॉक के जैसे ही दे रहे हो, तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपको क्या करना है। दिस इज वाई प्रैक्टिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके, अगर हम पिछले सालों का डेटा देखते हैं VARC का, सो दिस इज हाउ इट लुक्स। तो अगर आप देखेंगे 80% आ रहा है 22 के स्कोर पे, विच इज ऑलमोस्ट 7 करेक्ट अटेम्प्ट्स। 25 इज 8 करेक्ट अटेम्प्ट्स,
90 percentile is being scored at 10 correct attempts, 95 is being scored at almost 11 correct attempts, 98 is again being scored at somewhere around 13 correct attempts. 13 threes are 99, you can write 14 also. Okay, and 13 threes are 39, I'm sorry. So 14 threes are 42, so you can do 14 questions correctly. For a score of 47, 16 threes are 48, so you can do 16 questions correctly. And a score of 50 actually means somewhere around 17 threes are 51, 17 questions correctly. And we are getting 24 questions in VARC. तो अगर ये बच्चा ये सोच लेता कि मैं तो मतलब 12 करके रुक जाऊंगा तो ये 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही करता ही नहीं. शायद इनफैक्ट दिस स्टूडेंट माइट हैव डन 20-22 क्वेश्चंस, हु नोज, गॉट अ यू नो कपल ऑफ नेगेटिव्स, गॉट अ कपल ऑफ जीरोज एंड देन ही रीच्ड दिस स्कोर. सो दिस एडवाइस ऑफ डूइंग हाफ द पेपर इज नॉट एज सिंपलिस्टिक एज इट साउंड्स. देर इज अ लॉट ऑफ कलर इन दिस स्पेक्ट्रम. इट इज नॉट अ ब्लैक एंड व्हाइट एडवाइस कि आधा कर लो और हो गया. हाँ, देर इज अ लॉट ऑफ होप फॉर यू, बिकॉज इफ यू सी टू क्रॉस द सेक्शनल कट ऑफ ऑफ 85, यू हैव टू डू 8 क्वेश्चंस करेक्टली, विच गिव्स यू अ लॉट ऑफ होप. तो आप अपने मॉक में अगर 8-10 क्वेश्चन सही कर लेते हैं और आप अवॉइड करते हैं नेगेटिव मार्किंग, आप आधा ही पेपर करते हो, तो आपका सेक्शनल कट ऑफ क्रैक हो रहा है. बट अगेन ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट दैट आर यू गोइंग टू स्टॉप सॉल्विंग आफ्टर 8 क्वेश्चंस? Are you going to leave, I don't know how many, 12 questions or 20 questions just because somebody told you ki aadha karna hai? So like I said, do not fall for it. It's not a very simplistic, binary, black and white advice. Understand the maths behind it, understand the logic behind it, and then imbibe it. Do not be a fool who falls for traps. And how does this understanding get better? By taking mocks. I have said this earlier even in the Teacher's Day video and I am repeating it. Mocks are mirrors. आप लोग मॉक्स को मोटिवेटर्स मानकर चलते हैं क्या? तो आपको लगता है कि मैंने मॉक दिया, मैंने पढ़ाई की थी, तो अभी मेरा ना एकदम बढ़िया स्कोर और परसेंटाइल आना था और लाइफ में एकदम चमक आ जानी चाहिए थी. तो आप लोग का एक्सपेक्टेशन ही गलत है. आप यू आर एंटरिंग रिलेशनशिप विद रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस. हाई चांसेस दैट यू विल ब्रेक अप. यू विल से दैट माई पार्टनर विच इज मॉक इज टॉक्सिक. There is a lot of red flag. Dude, the red flag is from your end. You are expecting unrealistic things out of your partner. A mock is not a motivational speaker. A mock is a mirror. What do you use a mirror for? Like I said earlier, are you Snow White's stepmother and you'll say, mirror, mirror on the wall, who's the best of them all? So mock, mock on my internet wall, who's the best of them all? And then you don't score well. You expect 99, you score 49 and then you give up. The person who doesn't give up and keeps to continue taking mocks and keeps analyzing them and corrects those errors is the one who wins the race. So are you the tortoise or are you the rabbit? You have to ask yourself. How do you use a mirror? You check yourself in the mirror repeatedly while applying makeup, while wearing your shirt, while tucking your shirt inside, while buttoning yourself, while using your zip, while combing your hair. And then that mirror allows you to rectify whatever is not okay in your appearance, and then you go out in the world. You have to use those mocks as mirrors. Those mirrors, those mocks are telling you ki ye tumse nahi ho raha bhaiya, ye tumhara problem hai, ye tumhara some time issue hai, yahan pe baki bacche aisa kar rahe hain, tumse nahi ho pa raha, yahan baki bachcho ko nahi ho pa raha, tum kar pa rahe ho, tumko tumhara strength, weakness, time issue, conceptual issue sab pata chalta hai. Aur fir finally us data ko use karke aap next mock mein improve kariye, aur us data ko use karke aap next mock mein improve kariye, aur finally aap apne the mock 27th of November ko jo hoega CAT uske liye ready ho payenge. So it's important that you remember this. Okay, so please do not shy away from taking mocks and do not believe in the simplistic advice of doing half the paper. Question number 2. मुझे कैसे पता चलेगा राइट क्वेश्चन कौन सा था? आप कह रही हैं कि ये करना था, ये छोड़ना था, आपको चलो पता है, मुझे कैसे पता चलेगा? पहली बात तो राइट का मतलब क्या है? अभी स्कूल और कॉलेज में राइट का मतलब होता था जो सिलेबस में से आ रहा है. अभी एप्टीट्यूड का कोई सिलेबस है क्या? देयर इज नो सिलेबस. एप्टीट्यूड इज बेस्ड ऑन योर कैपेसिटी टू रीड, कैपेसिटी टू सॉल्व, कैपेसिटी टू कैलकुलेट, कैपेसिटी टू इंटरप्रेट. राइट क्वेश्चन का मतलब है ईजी क्वेश्चन, और ईजी क्वेश्चन का मतलब है लेस टाइम कंज्यूमिंग. बाय Because I do 3 questions correctly and I get 9 marks. I do 2 questions correctly, I get 6 marks. Now, if I am doing a question which is tough, which is more time consuming, tough hai, I'm still getting 3 marks. Aur main easy question karta jo less time consuming hai, I'm still getting 3 marks.
तो जिसमें मेरे को कम टाइम लग रहा है, अगर मैं वो करके 3 मार्क्स उठाता हूँ तो मेरे पास टाइम बच जाता है जिससे मैं अपने अटेम्प्ट्स बढ़ा सकता हूँ. सो राइट क्वेश्चन मीन्स ईजी क्वेश्चंस, ईजी क्वेश्चंस मीन्स लेस टाइम कंज्यूमिंग, बिकॉज लेस टाइम कंज्यूमिंग मीन्स यू आर डूइंग मोर क्वेश्चंस. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट ईजी डज नॉट मीन सिलेबस. ईजी हियर ओनली डज नॉट मीन मैंने पढ़ा हुआ है. येस ऑफ कोर्स, मेरे को क्या अच्छे से आता है वो मायने रखता है, बट आई विल टॉक मोर अबाउट दिस हियर. सो इफ यू आई डोंट नो, लास्ट ईयर मे बी सम ऑफ यू हर्ड मी टॉकिंग टू चैतन्य, हु वॉज वन ऑफ आर 99.2% लास्ट ईयर. ही वॉज माई स्टूडेंट एंड ही वेरी क्लियरली सेज इट दैट ज्योमेट्री वॉज समथिंग दैट बॉदर हिम, बट इन द कैट ज्योमेट्री 3 क्वेश्चंस वर डूएबल टू हिम एंड ही ग्रैब 9 मार्क्स आउट ऑफ द ज्योमेट्री क्वेश्चंस. अगर वो ये सोचता कि ज्योमेट्री मुझे डिफिकल्ट लगती है तो मैं नहीं करूँगा, तो वो 9 नंबर छोड़ देता और वो 99 पे नहीं होता, 89 पर होता शायद. तो ईजी का क्या मतलब है? ऑफ कोर्स कंफर्ट लेवल काउंट करता है, बट बात ये भी है कि क्या आप उसे जल्दी से सॉल्व कर पा रहे हो? आपका एवरेज टाइम टेकन ठीक तो है? कि यू आर टेकिंग 5 मिनट्स एंड देन स्कोरिंग 3 मार्क्स, दैट इज नॉट अ गुड आइडिया. हाउ डू आई चूज द राइट क्वेश्चंस? सो यू विल सी कंफर्ट लेवल. हाउ डू आई फाइंड दैट द क्वेश्चन इज लेस टाइम कंज्यूमिंग? सो फॉर एग्जाम्पल, एनी थिंग विच बॉदर्स यू इन टर्म्स ऑफ, फॉर एग्जाम्पल इट्स एन आर सी वेर यू कांट कॉन्सेंट्रेट, ओके, और इफ इट्स एन आर सी वेर द क्वेश्चन आर स्टार्टिंग विथ इफ फॉल्स एक्सेप्ट, विच मीन्स यू विल टेक प्रॉबेबली अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. मे बी यू हैव अ क्वेश्चन दैट सेज नन ऑफ द फॉलोइंग विल द ऑथर डिसअग्री विथ, एंड देन यू आर अगेन राइटिंग एक्सेप्ट. सो डूड, यू आर गिविंग मी 3 वर्ड्स दैट आर प्रॉब्लमैटिक. So then all of this is time taking. So this is time consuming. So this is how you know that these questions will take time, and then you decide, can I afford to do them or can I not afford to do them? Again, that will depend on a lot of factors, because depends आपने बाकी के RCs करें कि नहीं करें, और ये questions कितने RCs में हैं, और आपको RC समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आपका comprehension कैसा है, right? So all of this will help you choose the right question. When we are doing LR, तो हम कहते हैं कि ओपन एंडेड questions मत करो, ज़्यादा कंडीशन वाले questions का सेट मत उठाओ, प्लग इन कंडीशन है या डिडक्टिव कंडीशन है. QA में हम देखते हैं कि कैलकुलेशन कितनी लंबी जाएगी, कितना इंटेंसिव है. MCQ अगर है तो और गेस करना आसान है तो ठीक है. रेंज ऑफ वैल्यू टाइप का क्वेश्चन है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, और हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है, टीटा है, तो मोर टाइम टेकिंग है. ये सारा चीज़ें आपको यूज़ करना है और फिर डिसाइड करना है कि मैं कम समय में ज़्यादा अटेम्प्ट्स कैसे कर सकता हूँ. दैट इज़ हाउ यू चूज द राइट क्वेश्चन. सो इज़ योर माइंड सेट राइट? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय राइट क्वेश्चन नाउ? इफ येस, देन यू विल बी एबल टू अप्लाई दिस इन द नेक्स्ट मॉक, एंड लेट मी नो इफ इट वर्क फॉर यू. नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बल्कि पिछले ही क्वेश्चन का एक्सटेंशन. आपको ये समझना होगा कि कितने तरीके के क्वेश्चन हैं. कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको कहते हैं कि भैया आओ और खाओ, दे आर ओपन इन्वाइट्स. मैं अक्सर अपनी क्लास में कहती हूँ भंडारा क्वेश्चन. तो भंडारे को अपन मना नहीं करते, उसमें स्वाद होता है, वो मुफ्त होता है, और उसको खा के तृप्ति मिलती है, और उसमें दुआएं होती हैं, बरकत होती है. कैंडी क्वेश्चंस आर क्वेश्चंस जिसमें ज़्यादा लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और ज़्यादा लोगों की ज़्यादा एक्यूरेसी रहती है. तो जब आप मॉक्स का एनालिसिस करते हैं, मैं आपको आगे सिखाऊंगी मॉक का एनालिसिस दूसरे सेशन में, सो यू विल सी दैट देर आर क्वेश्चंस वेयर द नंबर ऑफ people attempting the questions is high, which means the question looks easy, okay, looks easy, I'm writing LE, and when you solve it, it actually gets solved in no time or less time, which means it is easy, okay. Low attempt or high accuracy, ye wo question hai, ye wo bhaji hai, ye wo lucky aur karela hai, jo ki dikhne mein aapko lagta hai ki yaar yaar, but jo khate hai to phir wo tandurust rehte hai, okay. So this is the food that your mom wants you to eat but you don't want to, okay. Why does your mom want you to eat it? Because the results are high. It may not look very appealing or taste very appealing. So are you able to find those hidden jewels which don't look easy, look difficult, but are actually easy? Hidden jewels. This is something which will change your results, because if the other people are not good at it and you are good at it, you are going to score better. Again, how do you find them? अगर आपने सिमिलर क्वेश्चंस मॉक्स में करे होंगे, सेक्शनल्स में करे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से प्रैक्टिस करके करे होंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को पहचान पाएंगे. अगर आपको स्ट्रैटेजी नहीं आती होगी, आपको क्वेश्चंस की पहचान नहीं आती होगी, तो आप उन्हें अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू डन दोज क्वेश्चन विद मी इन, आई हैव डन सो मेनी कैट आर सीज ऑन द चैनल वेयर वी वर डूइंग दिस क्वेश्चन ऑफ इफ फॉल्स
strengthens. So if you know how to solve this, and you will not waste time in the exam. So maybe half the janta finds it difficult, but because you know that if false strengthen will mean that if true does not strengthen, and you also understand the difference between does not strengthen and weaken, you're saving time. This is a hidden jewel. The question looks difficult, but when you do it, it's doable. Basharte aap padh kar aaye hain. Then of course there are traps. Traps are, they look easy. Zyada log attempt kar rahe hain. But jab aap us par pair rakhte hain, to landmine. It's a trap. It's actually difficult. So you started the question, specially happens in LR, where you choose a set because you thought it's easy, because it's from your favorite chapter. आपको लगता है बस यही जीवन का सार है, अभी यही सेट करना है. और जब आप करने जाते हैं तो वो सेट ले जाता है आपका आधा घंटा. अब आपके पास 10 मिनट बचे हैं, ना आप आगे जा पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं. अभी यू आर कॉट, यू स्टेप्ड ऑन अ लैंडमाइन एंड देयर इज अ ब्लास्ट. टच मी नॉट क्वेश्चंस, दिखने में ही लो अटेम्प्ट है. लोगों को देखते ही पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन को टच नहीं करना है. एंड ऑफकोर्स वैन यू स्टार्ट डूइंग इट तो लो एक्यूरेसी रहती है. देर वॉज दिस फ्री विल पैसेज इन अ रिसेंट मॉक. Most of the people don't do it because free will and determinism and compatibilism is philosophy. Most people are not good at philosophy. The attempts were very low. Most people left that RC. Those of the people who did the RC also found that the two questions out of four were actually very close, had very close options. So the accuracy turned out to be 50%. It is a touch me not RC. If you are doing it, you are up for a disaster. Unless you're extremely bright and philosophy is your forte, you are in for a disaster. So those questions you don't need to touch, because they are clearly telling you that they look difficult and they are also difficult. So these are the four combinations. I hope it makes sense to you and you now understand how it works. So what questions are we doing? If you are analyzing your mocks and you are doing traps, which means you need to correct it. If you are doing touch me nots, it is the biggest blunder ever. You can't indulge in touch me not. अपने लीक से बाहर के लोगों को चेस करना बंद कर दो. इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी. ट्रैप्स में जाना भी बंद कर दो. बुलाती है, जाने का नहीं. क्या करने का है अपने को? इन दोनों से उठकर कहाँ आना है? कैंडीज पर आना है और हिडन ज्वेल्स पर आना है. और पेपर में इन दोनों की तादाद अच्छी मात्रा में उपलब्ध है. अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर कैंडीज एंड हिडन ज्वेल्स. सो यू शुड ईट देम फर्स्ट, यू शुड बैक देम फर्स्ट. And then worry about probably trying a question that are question which is lengthy or which is more intensive in terms of calculation and thinking, and then you can indulge in them maybe in another round. But the first round of every section means candy and hidden jewels. So that's how you decide the right question. मुझे कैसे पता चलेगा कि चार में से कौन सा तीन RC करूँ, कौन से दो RCs करूँ, कौन सा RC पहले करना चाहिए? पहली बात तो doable का मतलब क्या है? So like I said, the free will passage was probably not doable for anyone, because every student who met me said, free will compatibilism, no, nahi karna tha. Gold wala nahi karna tha. But I actually ended up doing the gold passage as well as the free will passage in the mock, because I'm okay with history and philosophy. My English is of a good level. I don't struggle with comprehending questions and I know how to rule out options. I left the satellite passage, which was science based, because I am not so good with reading data quickly. मुझे data पढ़ने में time लगता है. How do I know that I'm good in philosophy? मुझे scientific data पढ़ने में time लगता है, या मैं history बड़े आराम से कर सकती हूँ, या मेरे critical reasoning strong है? Again, it boils down to your hard work. How much are you working hard? Are you preparing? Are you attending the classes? Are you taking help from books or teachers? And after that, are you applying those learnings in the mocks and improving yourself? So decide. अगले बार जब RC आए तो decide करो. You can also mark, you know, give marks to passages. कि अगर मेरा पैसेज अच्छा स्कोर करेगा तो मैं उसको सॉल्व करूँगा, अगर अच्छा स्कोर नहीं करेगा तो मैं सॉल्व नहीं करूँगा. अगर genre तुम्हारे कम्फर्ट लेवल का है तो उस RC को प्लस वन दो. तो philosophy मेरा कम्फर्ट लेवल है, प्लस वन. लैंग्वेज पढ़कर तुमने थोड़ा सा हल्का सा स्कैन कर लिया, तुम्हें लगा कि हाँ मतलब ऐसा कोई डिफिकल्ट वोकैब नहीं है, समझ में आ रहा है, तो अगेन प्लस वन दो. क्वेश्चंस ओकेश लग रहे हैं तो देख लेते हैं, थोड़े रीजनिंग बेस्ड हैं, थोड़ा देखना पड़ेगा. बिल्कुल टफ ऐसे हो ऐसा नहीं है, ऑप्शंस भी क्लोज हैं. ठीक है, सो दिस वाज लेट्स से फिलॉसफी फॉर मी. ओके, देन आई वेंट टू सैटेलाइट वाला साइंस पैसेज. जॉनर आई एम ओके विथ अंडरस्टैंडिंग साइंस. आई स्ट्रगल विथ अंडरस्टैंडिंग द डेटा, लैंग्वेज, कटल फिश, एलिफेंट सील, एम्परर पेंगुइन. अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है मेरा. मैंने लैंग्वेज देखी, मुझे इसकी लैंग्वेज भी थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी. जब मैं क्वेश्चंस पे गई तो क्वेश्चंस डायरेक्ट लग रहे थे और मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ी ध्यान से पढ़ूंगी तो मैं कर पाऊंगी.
और ऑप्शंस भी मैं कर लूंगी मैनेज. एंड देन देयर वाज अनदर पैसेज लेट्स से अबाउट सर्वेलेंस कैपिटलिज्म. आई नो दिस जॉनर प्रिटी वेल, आई हैव वर्क वेरी हार्ड एट माई जॉनरस, एज यू नो वी आर सीज माई स्ट्रेंथ. द लैंग्वेज वॉज नॉट ईजी इन दिस पैसेज. डेमोक्रेसी, इनइक्विटी, एपिस्टेमिक, भलाना ढिमकाना, मज़ा नहीं आ रहा था, टाइम लग रहा था पढ़ने में. आता सब है पर टाइम लग जाता है. क्वेश्चंस भी खास बढ़िया नहीं थे और ऑप्शंस भी क्लोज लग रहे हैं. ठीक. एंड ऑफ कोर्स देयर वाज अनदर पैसेज, आई कांट रिकॉल इट राइट नाउ. लेट्स पिक अप एनीथिंग, वट एवर जॉनर यू लाइक. सो देन वॉट यू विल हैव इज, यू हैव 3 marks हियर, यू हैव 2.5 marks हियर, एंड यू हैव 1 and 2 2.5 marks हियर. सो यू डू द RC विद द हाइएस्ट मार्क्स, देन पिक अप द RC विद द लोअर मार्क्स. मे बी यू कैन लीव द फोर्थ वन, मे बी यू कैन डू द फोर्थ वन. If the fourth one is scoring +4 or 3.5, of course that has to be your first attempt. So this is how you decide. अभी वहाँ बैठ के ऐसे चार्ट बनाने का टाइम नहीं होता है, तो वहाँ बैठ के आप बस ये देखेंगे, जॉनर ठीक है मेरे कम्फर्ट लेवल का है, मुझे आता है समझ में, लैंग्वेज ठीक है बहुत ऐसे फार्ड, अंग्रेजी में मेरा फेवरेट जॉनर लिखा हो तो भी डिफिकल्ट हो जाएगा. कुछ आपको बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा तो आप उसको जीरो दीजिए. ठीक है, तो कभी कभी फेवरेट जॉनर का लैंग्वेज डिफिकल्ट होता है. रिमेंबर द एलिफेंट सील पैसेज, वी ऑल अंडरस्टैंड साइंस एंड एनवायरमेंटल साइंस, बट द लैंग्वेज वो सो डिफिकल्ट. रुकरी, भिलाना, ढिमकाना, पॉलिटिक्स बहुत आती है, तो जॉनर तो ठीक है लेकिन एनआरकी वाले पैसेज का लैंग्वेज कन्फ्यूजिंग है. फिलोसफी मेरा इंटरेस्ट है, राइट, लेकिन माया वाला पैसेज और नॉलेज इज द स्कैंडल ऑफ फिलोसफी दैट वी डिड इन द लास्ट कैट का सेशन, उसका लैंग्वेज इज सो डिफिकल्ट, आई गिव इट अ जीरो. आई डिड नॉट वॉन्ट टू डू इट इन द एग्जाम. क्वेश्चंस कैसे हैं, रीजनिंग बेस्ड हैं, डायरेक्ट है, स्पेसिफाइड आइडिया है, इन्फ्रेंस है, मेरे से कौन से क्वेश्चन जल्दी होते हैं और करेक्टली होते हैं, ऑप्शंस रूल आउट करना आसान है, मैं कर लूँगा नहीं कर पाऊँगा, रूल आउट करने में कितना टाइम लगेगा, दीज आर वेरियस थिंग्स दैट विल हेल्प यू डिसाइड वॉट इन द RC इज डूएबल फॉर यू. ओके, सो यू विल हैव टू टेक दैट डिसीजन देन एंड देयर ऑन द बेसिस ऑफ जॉनर, लैंग्वेज, क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस. स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दीज 4 factors एंड अप्लाइंग दैम इन द मॉक एंड सी आर यू एबल टू चूज द RCs वेर यूर स्कोरिंग एटलीस्ट 3 out of 4 क्वेश्चन राइट. डू दैट 75% एक्यूरेसी. एंड द फोर्थ वन शुड आइडियली बी अ 0, इफ नॉट देन -1 इज ओके. यू स्टिल गेटिंग एन 8 out of RC. एंड ऑफ कोर्स द टाइम टेकन नीड्स टू बी कंसिडर्ड. वॉट इफ आई रियलाइज मैंने पैसेज पढ़ लिया, क्वेश्चन देख लिए, ऑप्शन में फंस गया हूँ, बहुत खराब ऑप्शंस हैं, आई मेड अ रॉन्ग चॉइस, व्हाट डू आई डू नाउ. अगेन डिपेंड्स कि आपने पेपर के किस स्टेज पे रॉन्ग चॉइस मेक की. शुरुआत में अगर आपने रॉन्ग चॉइस पकड़ ली है, सो यू हैव मोर टाइम एंड यू नो यू कैन रेक्टिफाई इट, मोर टाइम टू रेक्टिफाई योर एरर. अब आपने रॉन्ग चॉइस देखी है एंड में, तो क्या आपके पास कुछ VA क्वेश्चंस बचे हैं जो आप बचे हुए 2-3 minutes में कर सकते हो? कुछ नहीं बचा है, RC ही बचा है. तो आपको क्या करना चाहिए, RC में से ये देख लो कि डायरेक्ट क्वेश्चन है क्या कोई, और उस डायरेक्ट क्वेश्चन को करने का ट्राई करो. अगर VA बच गया है लास्ट मोमेंट्स में तो VA करने का ट्राई करो, बिकॉज जल्दी हो जाएगा, छोटा पढ़ना पड़ेगा 3 marks के लिए. अगर शुरू में ही एरर पकड़ लिया, मोर टाइम टू रेक्टिफाई, तो सबसे बड़ी बात है कि आपको काम रखना है, तभी आप काम कर पाएंगे, राइट. सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. इफ़ यू लूज योर काम, इफ़ यू फ्रीक आउट, इफ़ यू पैनिक, यू आर गॉन. आई वुड सजेस्ट दैट यू टेक यू नो जस्ट सिट बैक एट योर सीट, ब्रीथ डीपली, टेक अ कपल ऑफ ब्रेथ्स. Start again. Tell yourself that you still have time. The moment you start with the stories in your head, 23 देख लेता हूँ, एक काम करती हूँ, शादी ही कर लेती हूँ, मम्मी ठीक ही कह रही है, बिरयानी बनाना ज़्यादा आसान है बजाय ये अटेम्प्ट ढूंढने के. If you are doing that in the exam, you've already lost the battle. So don't lose the battle and keep fighting till the last question. Okay? बहुत आ रहा है ये question आजकल. RC कर लेते हैं, बेसिकली आप लोग RC इसीलिए करना चाहते हो क्योंकि आपसे पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन और पैरा समरी और ऑडमैन आउट की मेहनत नहीं होती, और आपको बहुत बढ़िया लगता है कि कोई सिलेबस नहीं है, बस पैसेज पढ़ना और क्वेश्चन सॉल्व करना, RCs आर सो इजी. आप ये दोनों RCs देखिए. दिस इज कैट 2021 स्लॉट 1, माया सॉ पर्सन हुड हैज एक्टिवेटेड, एंड दिस इज कैट 2021 स्लॉट 2, इट हैज बीन सेड दैट नॉलेज इज द स्कैंडल ऑफ फिलोसफी. आई हैव डन बोथ दीज पैसेजेस ऑन माई चैनल. You can solve them with me. I have explained the passages in detail. I have done the questions also. Please go through them. My question to you is how comfortable you are handling this? Every slot has at least 1 to 2 RCs which are on the tougher side, and every slot has 1 to 2 RCs which are on the easier side. Even if you look at older papers, Emperor Penguin is tough,
एनआरकी इज स्लाइटली ओके, वोकैबुलरी इज डूएबल, चाइनीज टैंग डायनेस्टी इज ओके, चाइनीज लॉन्जरे इज ओके, अलादीन लुक्स इजी बट टर्न्स आउट टू बी डिफिकल्ट, एम्परर पेंगुइन्स टर्न्स आउट टू बी डिफिकल्ट, एलिफेंट सील टर्न्स आउट टू बी डिफिकल्ट, कटल फिश इज ओके इश बट टेक्स टाइम. देर इज अ होल लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर्स दैट यू नीड टू रिलाई ऑन. तो क्या आप चारों आरसीज करने के लिए इक्विप्ड हो? आप 16 अटेम्प्ट करोगे 24 में से, और वो 16 में से आप कितने ठीक करोगे? इफ़ योर एक्यूरेसी इज हाई, यू कैन डू 14, 15, 13 करेक्ट, देन इट्स ओके, बिकॉज 13 करेक्ट क्वेश्चंस विल फेच यू 39 एंड देन -3 विल गिव यू, इवन इफ यू, बिकॉज आरसी में -3 ही होएगा, जीरो तो नहीं होएगा, देन यू विल समवेयर स्कोर अराउंड 36 विच विल गिव यू नॉट मोर देन 88% आई गेस. या सो यू नीड टू बी केयरफुल. वेन यू आर सेइंग ओनली आरसीज, आप अभी मक्कारी कर रहे हैं, बट वॉट इफ यू आर अनेबल टू क्रैक 1 to 2 आरसीज ऑन दैट डे? ऑन दी अदर हैंड यू शुड लुक एट दिस डेटा. लॉट ऑफ टीचर्स थे पैरा जम्बल तो होता ही नहीं है, छोड़ दो, ये पैरा जम्बल इतना डूएबल है कैट 2021 का. देर इज अनदर पैरा जम्बल इन कैट 2021 विच इज अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड पेड़ लगाना. इट्स सो ईजी, दिस इज ऑल्सो वेरी डूएबल इफ यू प्रैक्टिस 100 क्वेश्चन ऑफ पैरा जम्बल्स बिफोर कैट, एंड इफ यू नॉट प्रैक्टिस यू नॉट प्रिपेयर एनी वे. यू कैन ईजिली डू दीज क्वेश्चन. वाई विल यू लीव दीज 3 मार्क्स? दीज आर भंडारा क्वेश्चन. वो आपको बुला रहे हैं और आप जा ही नहीं रहे. आप कह रहे हैं हमने घर पर खाना बनाया, अरे खा लेना, घर वाला फ्रिज में रखो यार. वाई आर यू नॉट रिलाइंग ऑन वी ए टू गिव यू मार्क्स? इट्स ऑल्सो अबाउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. सो सम पीपल हैव आर सीज एज स्ट्रेंथ, उनको पढ़कर आंसर निकालना होता है. और ये ना बहुत, अगेन देर इज अ लॉट ऑफ नुआंस टू दिस, कि पढ़कर आंसर निकालना है. आर सी में आंसर ढूंढना ही तो होता है, सामने ही लिखा होता है. आर सी बिरयानी है, कबाब है, और एकदम उस पर रिलाय करना चाहिए. मुझे आप ये बताइए, आप आरसी में से अभी तक करते आए हैं और आप पढ़कर आंसर निकालते आए हैं, तो आपका एक्यूरेसी कितना है? अगर आपका एक्यूरेसी 90-100 है सिम कैट्स में, एम कैट्स में, मॉक्स में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में, तो ठीक है. अगर इससे कम है तो देन यू डोंट हैव द राइट टू इवन आस्क दिस क्वेश्चन दैट कैन आई रिलाई ओनली ऑन आरसीज, बिकॉज आई डू नॉट नो. वॉट इफ दिस टाइम 3 out of 4 आरसीज आर अनयूजअली डिफिकल्ट? वॉट विल यू डू? What if 2 out of 4 RCs are unusually difficult? What will you do? Therefore, this is not the time to leave things. And all of VRC is just concept based. कुछ रटना नहीं है. पैरा जम्बल में क्या रट के जाइएगा? पैरा कंप्लीशन में क्या रट के जाइएगा? पैरा समरी में क्या रट के जाइएगा? सहारा प्रैक्टिस बेस्ड है. अगर तुम रोज प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये क्वेश्चन बकवास है. सो डू नॉट रिलाई ओनली ऑन RCs एंड टेक योर डिसीजन इन द एग्जामिनेशन हॉल की क्या करना है. बी स्मार्ट. People who crack CAT are not just hardworking people, they are also smart people who work hard. Okay? तो अच्छा मैम, फिर मैं सारे टीटा कर लेता हूँ क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है. तो अभी अपन जाते हैं और पैरा जम्बुल में 3 मिनट, 3.5 मिनट, 4 मिनट लगाते हैं और एकदम अपना सब कुछ झोंक देते हैं, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना मैम. ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है बाबू, बट कितना ठीक करते हो तुम? सो यू डिड ऑल 8 नॉन आरसी क्वेश्चंस, जिसमें से 2 या 3 पैरा समरी है, विच मीन्स यू डिड 5 टीटा. ओके, आर यू गेटिंग 4 out of 5 और 3 out of 5 टीटा राइट? एंड आर यू स्पेंडिंग 1.5 मिनट पर क्वेश्चन, विच मीन्स आर यू डूइंग 5 questions इन 7.5 मिनट्स एंड गिविंग मी एटलीस्ट 80% एक्यूरेसी, विच मीन्स 4 out of 5, 4 out of 5 इज 90%, 80% राइट? So then, are you sticking to this story? Then yes, you should do all of them. अभी आप कर रहे हैं 5 टीटा, उसमें से 4 गलत हैं तो 1 ही सही है, तो +3 आया है. ठीक है, यहाँ पे 80% एक्यूरेसी में +12 आया है. ये भी बच्चा 5 टीटा कर रहा है, ये भी बच्चा 5 टीटा कर रहा है. +3 के बजाय चलो मैं थोड़ा अभी आपको बूस्ट कर देती हूँ. आपने 2 क्वेश्चन सही करे हैं और आपने लगाए हैं यहाँ पर 7.5 मिनट. इनफैक्ट आपने यहाँ 9 मिनट लगाए हैं या 10 मिनट लगाए हैं, क्योंकि मैम नेगेटिव मार्किंग नहीं थी ना, तो मैंने सोचा सारे कर लेते हैं. आपने भी तो बोला था सारे करने हैं, तो मैंने लगा दिया टाइम. बेटा नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पॉजिटिव तो लेकर आओगे. अच्छा पॉजिटिव हमसे आते नहीं हैं, नेगेटिव है नहीं तो हमने कहा लाओ यही खेल लेते. टाइम पास कर रहे हो तुम पेपर में, ये टाइम पास करने का टाइम है. यू हैव टू यूज योर ब्रेन्स, यू कांट आस्क क्वेश्चंस लाइक दिस. यू टू डिसाइड देन एंड देयर, मुझसे हो रहा है या नहीं हो रहा, मेरे नंबर आएंगे या नहीं आएंगे. और क्योंकि खोने को कुछ नहीं है तो एडवाइजेबल है दैट आई शुड डू दीज क्वेश्चन, बिकॉज आई एम नॉट लूजिंग एनी थिंग, बट एम आई गेनिंग एनी थिंग आउट ऑफ इट? और आई जस्ट डोंट नो हाउ टू मेक पेयर्स. आई हैव डन नो प्रैक्टिस ऑफ ऑड मैन आउट वॉट सो एवर. आई हैव नो क्लू हाउ डू वी सॉल्व पैरा समरी. आई हैव नॉट मास्टर्ड द आर्ट ऑफ एलिमिनेशन एंड आई वॉन्ट टू डू एवरी थिंग. एम आई कीपिंग अ ट्रैक ऑफ टाइम?
ask yourself these questions. Don't be a fool. Don't fall for stupid hacks. You have to use your brains, okay? Hacks are very good for YouTube views. They give you a lot of views. People who talk good content don't get views. But people who talk good content send students to B-schools. Whereas people with views might not be doing the same. Might not be. They may not. I teach DR, I'm very careful. I'm not saying that they don't send students. I'm saying that they are probably not as honest as they should be. Okay? So please, please learn how to see through it. See through people's intentions. मैं पहले क्या करूँ आप ये बता दो. आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगा अगले मॉक में. और फिर जब अगले मॉक में, अच्छा फिर मैं, मेरे को बताना भी पड़ता है कभी कभी कि चलो तुम ये कर लो. फिर आते हैं, मैम पिछले बार 39 थे, इस बार तो -4 आया है, आपकी स्ट्रैटेजी लगाई थी. पहली बात तो आपको किसी मैम और सर की स्ट्रैटेजी नहीं लगानी है. आपको ये देखना है कि आपके लिए क्या स्ट्रैटेजी काम करती है. वॉट शुड बी योर ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग डिपेंड्स ऑन यू. हाउ कैन यू डू मैक्सिमम क्वेश्चंस विदाउट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड. How can you solve maximum questions by and score maximum marks? Also, because VARC is the first section of the paper, what happens to the momentum of solving the paper if you do badly in VARC? I'll tell you, in 9 out of 10 cases, ज़्यादा लोग अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं. उनका पहला स्टेप खराब हो जाए ना, फिर सब खराब होता है. आपको पार्टी में जाना है और आपकी ड्रेस में कोई इशू हो जाए, आपका फर्स्ट स्टेप ही प्रॉब्लमैटिक है. आप पार्टी में जा पाते हैं, आपका पूरा दिन मुंह सड़ा रहता है. इवन इफ एवरीबडी अराउंड सेज दैट यू आर लुकिंग गुड, यू डोंट लाइक इट. बिकॉज सुबह खराब हो गई ना, बॉनी ठीक नहीं हुई. तो बेटा बॉनी ठीक करो, मोमेंटम मत गिरने दो. वी ए आर सी पहला सेक्शन है. वी ए आर सी में अगर तुम इधर उधर उधर इधर हुए, लर्न हाउ टू संभालो योर सेल्फ. इवन इफ यू डोंट नो हाउ टू हैंडल योर सेल्फ, इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो हाउ टू डू वी ए आर सी वेल. So then, there is a student yesterday walked up to me and said, ma'am, I take a lot of time in doing first RC. I take up to 15 minutes in doing just the first RC, and then I'm also not getting all four of them right. Which means, you are a student who needs a little warm-up to be able to digest a passage. Why do you not start with 2 VA questions, or 3 VA questions, or 1 para summary? Do a short question and warm-up. तुम लोग इसे जिम में घुसते ही 25 किलो का डंबल उठाते हो और उसको जोर से पटक देते हो और आसपास के सारे माइग्रेन वाले लोगों को अटैक आ जाता है. हाँ, मैं जिम पीड़ित हूँ. दैट्स हाउ यू नो 20-year-old मैन बिहेव इन द जिम. मैन बॉयज, आई थिंक मैन होते तो ऐसी हरकत. एनीवे, लेट्स गेट बैक टू बिजनेस. वार्म अप विद 2 to 3 VA questions एंड देन स्टार्ट विद एन RC. एंड स्टार्ट विद एन RC विच इज ईजी. वाई? बिकॉज फिर माहौल बनेगा. अभी बढ़िया, आपने अगर पहला ड्रिंक ही बढ़िया लिया है तो भी फिर माहौल बनता है. तो फिर आप कहते हैं, अच्छा लाओ एक ग्लास और, जी जी आज तो पियेंगे. तो मैं पहले ही गंदा सा कॉकटेल पहना दिया है सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसके नाम में वर्जिन लिखा था. सारी पार्टी खराब हो जाती है भाई. फिर आप वेटर पे भी चिल्लाते हैं, फिर जिसके साथ गए उस पर भी चिल्लाते हैं. नशा तो चढ़ ही रहा है अलग. तो यू डू बी केयरफुल. स्टार्ट विद बी ए, देन गो टू RC. आई टेल यू व्हाट हैज हैपेंड विद मी इन दिस इयर्स. आई हैव रियलाइज एवरी टाइम आई डू RC सेक्शन एंड आई एडमिट दिस ऑन YouTube. I can't do more than 2 RC at a time. It pisses me off. क्लास में करवा सकती हूँ क्योंकि मैं बोलती रहती हूँ, समझाती रहती हूँ सब. आप मुझे बोले खुद से सॉल्व कर, 2 RC ज़्यादा मतलब मुक्का मार देना, फिर तो मैंने मुझसे नहीं होता. आई कॉन्ट डू मोर देन 2 RC. आई गेट बोर्ड, डैम इट. आई जस्ट गेट बोर्ड ऑफ डूइंग 1000 words का रीडिंग एंड 8 questions. इट सैप्स माई एनर्जी. आई हैव अ वेरी क्लियर कट स्ट्रैटेजी बिकॉज आई रियलाइज दैट आई गेट बोर्ड. I also know that VA is my strength. मेरा VA ठीक ही जाता है, 90% accuracy, बड़े आराम से, बड़े पुच्ची तरीके से मैं कर सकती हूँ VA questions. मेरे को ये दो बातें पता चल गई तो मेरा strategy है, मैं एक RC करती हूँ, उसके बाद एक पैरा समरी कर लेती हूँ, कभी कभी दो भी कर लेती हूँ अगर छोटे हैं तो. उसके बाद मैं एक RC करती हूँ, उसके बाद मैं सारा VA निपटा देती हूँ. कितने questions हो गए? 4, 4, 8, 1 on 2, 10, 10 एंड बचा हुआ 6, 16. इतने में हो जाता है टाइम खत्म. यूजुअली नहीं होता तो एक RC और 20 attempts. बहुत बढ़िया, एक्यूरेसी बढ़िया मेंटेन करो, कोई तुमको रोक नहीं सकता 99 टच करने से. दिस इज माई स्ट्रैटेजी. विल दिस वर्क फॉर यू? नो. देर आर पीपल हु आर डूइंग, आई मेट अ स्टूडेंट द अदर डे हु सेड आई एम डूइंग ओनली RCs, ऑल 4 RCs. आई सेड हाउ मच परसेंटाइल आर यू स्कोरिंग? सी सेड 92. आई सेड ओके, एक दो क्वेश्चन VA ट्राई करो, 92 से 95 पहुंचाओ, फिर आगे बात करेंगे 95 से 99 पे कैसे जाना है. देयर इज अनदर स्टूडेंट हु सेड आई डू ऑल VA फर्स्ट, एकदम बढ़िया तरीके से, मेरा बहुत स्ट्रांग है, और उसके बाद मैं 2-2.5 RC कर लेती हूँ. ठीक है,
गुड. सो दिस अगेन, देर इज नो यूट्यूब स्टैंडर्ड आंसर. यू हैव टू डिसाइड. हाउ डू यू डिसाइड? मॉक लिखो, सेक्शनल टेस्ट दो, घर पे प्रैक्टिस करो, 40 मिनट का अलार्म लगाओ, क्वेश्चंस इकट्ठे करके बैठो, 24 किसी भी कहीं से भी पोर्टल से, टेलीग्राम से, इधर से उधर से, पुराने पेपर से, देखो तुमसे क्या हो रहा है, और स्ट्रैटेजी बनाओ कि तुम क्या करोगे. ये मेरा स्ट्रैटेजी है. विल दिस वर्क फॉर यू? मे बी नॉट. इट विल वर्क फॉर यू इफ यू आर अ पर्सन लाइक मी इन टर्म्स ऑफ VRC, अदरवाइज इट वॉन्ट. सो डिसाइड योर ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग एंड डू नॉट डिपेंड ऑन समबडी एल्स टू डिसाइड दैट ऑर्डर फॉर यू. ऑल राइट? सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट यू यू रियलाइज कि कैसे हमें क्वेश्चंस करने हैं और हमें क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी है. ओके? सो यू शुड हैव दैट क्लैरिटी एंड आई वुड रेकमेंड दैट यू नो हाउ टू डू दोज क्वेश्चंस. एंड इट्स सेप्टेम्बर एंड यू हैव अराउंड अ मंथ टू वर्क ऑन योर कॉन्सेप्ट्स. वर्क ऑन दोज कॉन्सेप्ट्स, इम्प्रूव योर बेसिक्स, इम्प्रूव योर कैपेसिटी टू डिसाइड कौन सा क्वेश्चन करना है. सो लर्न कौन सा RC सॉल्व करना है, कौन सा क्वेश्चन कैसा दिखता है, मैं कैसे फंस जाता हूँ. लर्न हाउ टू डू द राइट क्वेश्चंस. टेक इंस्पिरेशन एंड लीफ फ्रॉम द प्रीवियस ईयर डेटा. डू नॉट फॉल फॉर दीज मार्केटिंग गिमिक्स. अंडरस्टैंड द राइट आंसर्स टू ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस. स्टॉप लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स एंड आई एम श्योर यू विल डू योर वेल. ऑल्सो लाइक आई सेड, please apply the learnings of one mock in the next mock. In fact, before you take your next full-length proctored mock, whatever brand you are taking, please make sure that you are practicing questions and applying these learnings to a sectional test, to a book that you use, or to a previous year question paper, or to NMAT guide, or whatever it is that you are practicing from these days, and then take the mock so that you are scoring well, and when you score well, you feel good about yourself because then you know your hard work is giving you results. Just in case your hard work is not giving you results, you need to analyze and see what's going wrong and that needs to be corrected. Diagnosis बहुत important है. अगर तुम्हारा diagnosis ठीक नहीं है तो तुम क्या prognosis करोगे, कैसे पता लगाओगे treatment क्या है और prognosis क्या होना चाहिए, वहाँ पर teacher का role आता है. Ask a teacher or a mentor about your problems and they'll be able to help you. I hope that these commonly asked questions have given you clarity on various aspects of VRC and I hope that you will score well in your mocks and eventually in the final exam. Signing off for today, thank you so much for listening patiently. I hope the session is useful to you. If yes, then please subscribe to the channel, like and share the video. Take care till then.